हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, 20 भाग चला हुआ है। इससे पहले जितने भी भाग हैं, जितनी भी वीडियो हमने बनाई है, मैथन जीके ट्रिक के चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं जल्दी से। घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है। दोस्तों यहाँ से पिछली बार HPSC के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है। घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है, परिभ्रमण करती है, परिक्रमण करती है, क्या करती है। तो बिल्कुल ही इजी था दोस्तों, उसमें ऑप्शन था घूर्णन गति। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है। लास्ट तक बने रहिए इनके वीडियो तक। ठीक है, अब देखते हैं। कोई भी ग्रह है दोस्तों, मान ली पृथ्वी है, ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, परिक्रमा करती है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन गति बोलते हैं इसको। एक और नाम दिया गया है, जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है उसको बोलते हैं परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है, समझ आया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, घूर्णन गति, जिसको हम दैनिक गति भी बोलते हैं। ठीक है, दैनिक गति भी बोलते हैं, या फिर परिभ्रमण भी अपने अक्ष पर घूमना होता है। ठीक है, तो यहां से समझ आएगी घूर्णन गति क्या होती है। उसके बाद दोस्तों है परिक्रमण। अब यहां पे थोड़ा समझना है, ये जैसे हमारा सूर्य है, बुध ग्रह है, जैसे ये जब बुध ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमण गति बोलते हैं। या एक और नाम दिया गया है, वार्षिक गति। अब समझना क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है दोस्तों, कि जब कोई ग्रह खुद के अक्ष पर घूम रहा है, खुद के अक्ष पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, गति कर रहा है, तो उसको घूर्णन गति भी बोलते हैं, दैनिक गति भी बोलते हैं, या परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। अपने अक्ष की बात हो रही है दोस्तों। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, कोई भी ग्रह हो, तो उसको क्या नाम दिया गया है, वार्षिक गति बोलते हैं, या फिर परिक्रमण गति भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने पजल नहीं होना है कि अगर पूछे कि कोई भी ग्रह जब अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। सूर्य की जब बात आए कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं, वार्षिक गति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, जहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो एक लाइक दीजिए जल्दी से, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।